अरे तो कांग्रेस का चुनावी बिगुल बज चुका है और आज से चुनाव प्रारंभ हो चुका है कांग्रेस के लिए। तो सर सबसे पहले तो बताएं, जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं और क्या तैयारियां हैं? देखो, सबसे बड़ी बात तो जिस तरह से हमारे कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो हमारे उम्मीदवार घोषित किए हैं, जो उदयपुर के कलेक्टर भी रह चुके हैं, एक जाना पहचाना चेहरा है, इसलिए हम जीत से पूरी तरह आश्वस्त हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसमें कोई गुटबाजी नहीं है। उदयपुर में जितने लोकसभा क्षेत्र में जितने विधायक का चुनाव लड़े हैं, जितने प्रदेश में पदाधिकारी रहे हैं, सभी नेता एक साथ आज मंच पर नजर आए और जीत से हम पूरी तरह आश्वस्त है कि हर बूथ पे कार्यकर्ता, मंडल पे कार्यकर्ता, महिला कांग्रेस और सभी वर्ग के कार्यकर्ता हमारे आज इस सम्मेलन में आए और आने वाले समय में हम मंडल वार्ड स्तर पर जो बूथ की एक एक जो पता ये प्रमुख कहते हैं, हम मंडल स्तर पर जो बूथ तो है उस पर हम काम करके जीता जी। आप कह रहे हैं गुटबाजी नहीं है कांग्रेस में, पिछला चुनाव जो अभी हाल ही में 6 माह पूर्व संपन्न हुआ विधानसभा का चुनाव, वो पूरी गुटबाजी की वजह से कांग्रेस वो चुनाव हारा और आप कह रहे हैं गुटबाजी नहीं है कांग्रेस में? नहीं, कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा, कार्यकर्ताओं को लगा कि नेताओं के बीच में हो सकती है लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच में कभी गुटबाजी नहीं रही। मैं आज भी कह रहा हूँ, चाहे हम उदयपुर शहर के ले लें, जो आज जानते हैं कि इतने शहर से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है जी, हम कहने में कहीं संकोच नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे जिलाध्यक्ष बने में अभी 7 महीने 8 महीने हुए हैं और जिस तरह से हमें लगता है कि हम जिस तरह से काम कर रहे हैं कि एकदम कोई, चाहे हम अध्यक्ष बने चाहे ये बने, एकदम कोई किसी, लेकिन आज संगठन के धरातल पर जो काम होना चाहिए हम उस स्तर पर हम काम कर रहे हैं। इस वजह से हमारे में कार्यकर्ताओं में नेताओं में भी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है जी। और 4.5 लाख का जो अंतर रहा पिछले चुनाव में, जो 4.5 लाख का अंतर है, उसे किस तरह से कम करेंगे? और शहर अगर की बात करें जिसके आप अध्यक्ष हैं, वहाँ पर हमेशा से कमजोर पकड़ रही कांग्रेस की, बिल्कुल बिल्कुल, उसको कैसे दुरुस्त करा जाएगा? सर, जो आप 4.5 लाख का जो अंतर बता रहे हैं, उदयपुर में जो पहले लोकसभा का चुनाव हुआ उसका अंतर है, जबकि अभी अभी आप विधानसभा को देखे हैं तो केवल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में अंतर रहा 1,30,000 के करीब, मतलब 1.5 लाख के समथिंग। ये अंतर कोई लोकसभा के लिए बड़ा नहीं है जी, कि जिस तरह से चाहे बाप के प्रत्याशी हो, जिस तरह से कांग्रेस के पार्टी को जो नुकसान करा वो हम भी जानते हैं कि हम मेवाड़ में बाप पार्टी ने हमारा बहुत नुकसान किया। आज कहीं ना कहीं हमें जिस तरह से ताराचंद जी मीणा को प्रत्याशी बनाया है तो हमें ग्रामीण जो उदयपुर लोकसभा का क्षेत्र है, हमें देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं बाप को प्रत्याशी को वोट नहीं मिलकर ऐसे व्यक्तित्व को मिलेंगे जो पूरे क्षेत्र में चर्चित चेहरा है, चाहे आदिवासी संभाग में ले लो चाहे उदयपुर शहर में ले लो, इन्होंने बहुत विकास का काम करा है और लोगों के लिए रात दिन हमेशा तत्पर रहे हैं। इसलिए हमें भी आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी ये एक उत्साह है कि नहीं यार, ऐसा आदमी आया है जो पढ़ा लिखा है, कलेक्टर है, जो उदयपुर शहर ही नहीं पूरे उदयपुर संभाग को जानते हैं जी, तो इसमें निश्चित रूप से हम सफलता प्राप्त करें जी। तो फतेह सिंह जी राठौड़ से हमारी विशेष मुलाकात थी, उन्होंने आश्वस्त कराया कि पढ़ा लिखा चेहरा है और लोग इनको, ये उदयपुर की समस्याओं से भी भलीभांति वाकिफ है और लोगों के लिए एक जाना पहचाना चेहरा है। तो इनके जीत को लेकर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष काफ़ी आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा कि जो मार्जिन है, ये लोकसभा के हिसाब से कोई बड़ा मार्जिन नहीं, इसे जल्दी दुरुस्त कर लिया जाएगा।